तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब में दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पर कार फॉर इंडिया मिशन को सपोर्ट करें। अगर आपके पास ऐसा कोई एक्सीडेंट का न्यूज है तो पूरी डिटेल के साथ मेरे इस ईमेल पे सेंड करें। आज हम बात करने वाले मारुति विटारा ब्रेजा की। जैसे कि हम जानते हैं मारुति विटारा ब्रेजा ग्लोबल एनकैप में 4 स्टार रेटिंग लेकर आई है एडल्ट ऑक्यूपेंट के लिए और 2 स्टार रेटिंग लेकर आई है चाइल्ड पेंट के लिए। आज हमारे पास इसका एक एक्सीडेंट है जिसका न्यूज़ मुझे इंस्टाग्राम के एक पेज हैंडल से मिला, जिसमें कार के ऑनर मिस्टर कार्तिक सर ने बताया कि जब वो कहीं जा रहे थे उस दौरान उनकी गाड़ी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में रहती है और उनका कोलिजन होता है एक 50-60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाले एक होंडा साइन बाइक से, जिसमें उन्हें जब वो कार के अंदर बैठे रहते हैं जिस टाइम उनकी गाड़ी का कोलिजन होता है उस दौरान उनको फील ही नहीं होता कि उनकी गाड़ी एक बाइक से कोलाइड हुई है। लेकिन जब वो कार से बाहर आके देखते हैं तो वो इम्पैक्ट देख के घबरा जाते हैं कि उनकी गाड़ी का जो राइट साइड का बम्पर है वो डैमेज हुआ रहता है, उनकी राइट साइड की हेडलाइट भी डैमेज हुई रहती है, हल्का सा फ्लेंडर भी डैमेज हुआ रहता है राइट साइड का। हालांकि हम बाइक की बात करें तो बाइक में भी अच्छा खासा डैमेज आ रहता है, कार के ऑनर रहते हैं वो सेफली कार से बाहर रहते हैं, उनको कुछ डैमेज नहीं हुआ रहता कार। अगर इसके अलावा मारुति की कोई और कार रहती तो आप सोच सकते हैं उसमें कितने डैमेज आए रहते हैं। हालांकि ये भी 4 स्टार रेटेड कार है, इसमें भी डैमेज आए हैं, लेकिन वो सब कार्स में ज़्यादा डैमेज आ रहे थे इस कार के मुकाबले। होप आपको इस वीडियो में बिल क्वालिटी की इम्पोर्टेंस समझ आई होगी। अगर आपको बिल क्वालिटी की सब इम्पोर्टेंस समझ आई होगी तो सेफेस्ट कार फॉर इंडिया मिशन को सपोर्ट करें और लाइक करें, शेयर करें।